वसुंधरा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को जिला स्तर पर प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर संगठन पदाधिकारियों और विधायकों द्वारा बजट में पारित विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अलवर में एक रिसोर्ट में जिला संगठन प्रभारी अखिल शुक्ला, मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव, हेम सिंह भड़ाना और जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने मीडिया के समक्ष बजट की व्याख्या कर बताया कि भाजपा सरकार का बजट सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। संगठन प्रभारी शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वसुंधरा सरकार का बजट ऐतिहासिक है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट की प्रशंसा पूरे प्रदेश में हो रही है और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। हमारे मुख्यमंत्री ने सब वर्गों का ध्यान रखा है, उन्होंने बच्चों का भी ध्यान रखा है, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा है, युवाओं का भी ध्यान रखा है, बेरोजगारों का भी ध्यान रखा है, कृषकों का भी ध्यान रखा है और उन्होंने महिलाओं का भी ध्यान रखा है, सरकारी कर्मचारियों का भी ध्यान रखा है। उन्होंने इस बात का छोटे छोटे बिंदुओं का ध्यान रखा है कि बुजुर्ग व्यक्ति यदि यात्रा करे तो उसकी सुविधा का भी ध्यान रखा है, निःशुल्क यात्रा की बात भी करेंगे। ऐसे पूरे बजट में सब लोगों को किस तरह से लाभ दिया जाए, प्रत्येक वर्ग को किस तरह से लाभ दिया जाए, कि जन कल्याणकारी कार्यों को किस तरह से किया जाए, गरीब को गणेश मान के किस तरह से कार्य किया जाए, अंत्योदय की भावना को लेकर के किस तरह से उत्थान किया जाए, उसके लिए भी दो योजनाएँ सुंदर सिंह जी भंडारी की और भैरव सिंह जी शेखावत साहब के नाम पर योजनाएँ हैं। पूरे बजट में आपने देखा होगा कि सब स्पर्शी बजट है और सब लोगों का दिल जीतने वाला बजट है। वैसे तो आपने देखा कि विकास के कामों में पहले भी विकास के खूब काम हुए और अब उनकी गति को और तेज किया गया। उस तेज गति में और किस तरह से सरकार सब लोगों का दिल जीत सके, सबकी विश्वास पे खरी उतर सके, ऐसा प्रयास सब जगह से किया गया है। उधर जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि बजट की पूरे प्रदेश में तारीफ है और वहीं विपक्ष का सरकार बनाने का सपना भी चूर चूर हो गया है। कांग्रेस और सारे विपक्षी दल इस बजट की शानदार उपलब्धि से भौचक्के रह गए हैं। उनको उनका सपना जो दोबारा सरकार बनाने का था, मेरी दृष्टि में चकनाचूर हो गया। इसी दौरान श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने भी अलवर जिले की सबसे बड़ी समस्या पानी पर वसुंधरा राजे द्वारा 35,000 करोड़ की DPR बनाए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। अभी आप चले नहीं रह सकते बिना पानी, टाइम बाउंड है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि, कोई भी सरकार आए अब DPR मंजूर होने के बाद हम रहे या कोई और रहे या ना रहे, पर अलवर की जनता को पानी मिलेगा। ये वसुंधरा ने बहुत बड़ा भागीरथी का काम किया है। उधर प्रेस वार्ता में मौजूद मंत्री हेम सिंह भड़ाना से पूछने पर कि थाना गाजी में बजट में क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में पिछले बजट सहित NCR का पैसा काफी मिल चुका है, जिससे अनेक विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। मेरे क्षेत्र की जो आवश्यकता थी, आपका जानकारी के लिए अर्ज कर देता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो आवासीय महाविद्यालय हुआ छात्रावास मैंने मांगा था, एक नंबर। दूसरा नंबर, मेरे क्षेत्र में आपकी जानकारी के लिए सबके कह रहा हूँ, आपने कहा थानागाजी में टहला सब तहसील पिछले बजट में बनी थी, जिसका शिलान्यास मेरे द्वारा हुआ और जिसका उद्घाटन मेरे द्वारा हुआ है। तीसरे 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदर्श बने और 13 मेरे 133 ग्रेड सबस्टेशन बने। उधर इस मौके पर शहर विधानसभा प्रभारी अशोक गुप्ता सहित कई नेता भी उपस्थित रहे।